ये हवा क्या करूं क्या करूं, दूर तुझसे रह के बता क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है शमा, ऐसे में है तू कहां। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे को नए वीडियो में। तो जैसे अभी आगरा में ताज महोत्सव चल रहा है, आपने कई वीडियो देखे भी होंगे, तो ये लगा हुआ है 17 तारीख से 27 तारीख तक, मतलब फरवरी 2024 तक। ये कैसा होने वाला है, इसके अंदर क्या है, टिकट प्राइस क्या है और टाइमिंग वगैरह, मैं आपको सब कुछ बताता जाता हूँ धीरे धीरे करके। और ये मेरा काफ़ी दिनों बाद वीडियो है, तो वीडियो को सपोर्ट करें और इन्जॉय करें वीडियो को। तो मैं आपको दिखाता हूँ टिकट क्या है, एंट्रेंस क्या है और इधर झूलों में क्या क्या राइड मिलने वाली है, और परचेजिंग के लिए और खाने पीने के लिए क्या क्या मिलने वाला है। ये मिलेगा आपको टिकट काउंटर, जो कि पर पर्सन है 50 रुपये। टिकट की बात करें तो अडल्ट के लिए 50 रुपये है, और फॉरनर स्पेशली और 3 साल तक के बच्चों के लिए टिकट यहाँ पर फ्री है, तो इनके लिए कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा। तो आप आइए और इनसे एक बार बोल दीजिए, और फॉरनर तो ऐसे ही जाते हैं अंदर। साइड में था टिकट काउंटर, यहाँ से आपको थोड़ा सा आगे चल के ये मिलेगा एंट्रेंस, और चलते हैं अंदर एंट्रेंस पे। तो टिकट चेक कराने के बाद चलते हैं अंदर, और इस तरीके से कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी भी लगी हुई है, और मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो हर बार की तरह इधर आपको वही पॉट मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से इधर इन्होंने डेकोरेट किया है। और आप पॉट देखिए, धूप में थोड़ा सा तो ये है ओवरव्यू। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ कुछ फ्लावर हैं जो आर्टिफिशियल, और ये कालीन। तो इधर से हम मैं आपको चलता जाऊँगा, आगे दिखाता जाऊँगा। तो ये मिलने वाले इधर आपको कालीन वगैरह भी जो भी है, और इधर मिट्टी का सामान। ये आपको सारा सामान मिट्टी का मिलने वाला है, तो आप देखिए। और पेमेंट का भी कोई इशू नहीं आएगा, इधर आपका ऑनलाइन वगैरह भी हो जाएगा। अभी ये वीडियो बनना है दोपहर में, तो कुछ स्टॉलें हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो। रात में आइए आप 7-8 बजे के आसपास, आपको काफ़ी अच्छा माहौल मिलने वाला है इधर, और लाइटिंग और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से इधर हुई है। तो यहाँ बच्चे भी आते हैं यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, और फैमिली के साथ। कुछ यहाँ से यहाँ पे आपको कैंडी वगैरह कुछ चाहिए हो तो वो भी देख सकते हैं। दिन में झूले बंद रहते हैं, शाम को ये चालू होंगे।
और काफ़ी अच्छी लाइटिंग भी मिलेगी। और यहाँ से भी आप बोतल वगैरह देख सकते हैं, जो भी अपना का यूज़ कर सकते हैं ना, घरेलू सारे सामान हैं। तहन सर, तो बढ़िया सर। सर किस रेंज से स्टार्ट है अपने पास? सर हमारे पास 550 स्टार्टिंग। 500 से? 550 से स्टार्ट। अच्छा 550 से। अच्छा तो ये टंगे, ये किस इस रेंज है लगभग? ये 1250 रेंज में। हाँ जी, ये मलचंदेरी पे है। अच्छा अच्छा, तो जैसे ये है, आपने ओवरऑल लोकेशन देख ही ली होगी। तो इसी तरीके से आप ना कुछ परचेज़ करना हो तो काफ़ी अच्छा फेयर लगा हुआ है। तो इसको देखने के लिए सबसे अच्छी टाइमिंग है 7:00 PM के आसपास आप आ सकते हो। काफ़ी अच्छा क्राउड मिलेगा, लाइटिंग मिलेंगी। तो आप ये भी देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 300 में दो स्वेटर से क्या है? अच्छा मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये क्या बोल रहे हैं। 300 रुपये में दो, उस सेल टाइप से भी लगी हुई है। विंटर के वन पीस हैं, सराग है, क्रोएशिया पे भी है सर। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा है, क्रोएशिया पे भी है। 300 में उन्होंने। हाँ हाँ अभी कुछ लगा रखा गौरव। किस रेंज में है? 100 रुपये। 100 रुपये का है?